नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी और मंडी भाव में। आज हम बात करेंगे मक्का की फसल में खरपतवार को खत्म करने के कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन से बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। और मैं आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा जिसमें बायर कंपनी के प्रोडक्ट लाउडिस के बिना, जी हाँ लाउडिस के बिना, मक्का की फसल में खरपतवार को कैसे खत्म किया जाता है। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपको मिलती रहेगी। और एक विशेष सूचना, जो भी खरपतवार नाशक प्रोडक्ट होते हैं, जी हाँ जो भी खरपतवार नाशक प्रोडक्ट होते हैं उन पर क्या लिखा होता है, हर्बीसाइड। हर्बीसाइड, जो खरपतवार नाशक प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हर्बीसाइड कहा जाता है। अब बात करते हैं कि बिना लाउडिस के कैसे हम खरपतवार को ख़त्म करें मक्का की फसल में। बायर कंपनी का ही एक प्रोडक्ट आता है फुस्ट नाम से, जी हाँ फुस्ट नाम से, इससे हम मक्का की फसल में खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसकी मात्रा क्या होती है। पहले बात करते हैं कि ये देखिए, ये पाउडर फॉर्म में आता है, जी हाँ ये पाउडर फॉर्म में आता है। अब इसको इस्तेमाल किस समय करना चाहिए, जब मक्का की फसल, जी हाँ जब मक्का की फसल 20 दिन की समयावधि की हो जाए, जी हाँ जब मक्का की फसल 20 दिन की समयावधि की हो जाए, या खरपतवार दो पत्ती या तीन पत्ती का हो जाए, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल कैसे करना है, देखो इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें यूरिया खाद लेना है और प्रति बीघा आधा किलो ये पाउडर लेना है, ये पाउडर लेना है प्रति बीघा आधा किलो ये पाउडर लेना है। मैं इसका टेक्निकल भी आपको बताऊंगा। यूरिया खाद में इसको मिक्स करना है और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, खेत हल्का सा गीला होना चाहिए, मक्का की फसल वाला खेत हल्का सा गीला होना चाहिए। आप इस पाउडर को यूरिया खाद में मिक्स करके फूंक दीजिए या अपन कह सकते हैं छाड़ दीजिए। आपको विद इन 5 डेज के अंदर, 5 दिन के अंदर आपको लगेगा कि खरपतवार सूख रही है। आपको 5 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये सभी प्रकार की खरपतवार को ख़त्म करेगा, तो ये सभी प्रकार की मक्का में जो खरपतवार आएगी उसको सबको ख़त्म कर देने वाला एक बेहतर प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा टेक्निकल है, टेक्निकल की बात करते हैं तो ये देखिए आप, एट्राजीन 50% WP, एट्राजीन 50% WP। बहुत सी कंपनियों के एट्राजीन आते हैं किंतु बायर कंपनी का एट्राजीन दूसरी कंपनियों के एट्राजीन के मुकाबले काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी दिखने को मिलता है और रिजल्ट काफ़ी लंबे समय तक रहता है, इसलिए यह एक प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की, देखिए ये तो 250 ग्राम की पैकिंग का है और इसमें एक आधा किलो की पैकिंग आती है। 250 ग्राम की पैकिंग की MRP है 150 रुपये मात्र, जी हाँ 150 रुपये मात्र है। और बड़ी पैकिंग भी आती है इसमें आधा किलो की, वो पैकिंग थोड़ी सस्ती आती है, आप वो बड़ी पैकिंग भी ले सकते हो। अब बात करते हैं, आप एक विशेष ध्यान रखिएगा, प्रति बीघा आधा किलो जाता है, ओनली एट्राजीन यूज़ करते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि बहुत से किसान भाई होते हैं जो कि लाउडिस बहुत महंगी पड़ती है, सभी किसान भाई इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी MRP ही आप देख सकते हो, MRP 1720 रुपये है। और यदि आप लाउडिस के बारे में अधिक जानकारी चाहते हो तो मैंने एक इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, आप वहाँ जाकर इसकी पूरी जानकारी पा सकते हो। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आपको मिलती रहेगी। कौन सा प्रोडक्ट बताया मैंने, बायर कंपनी का फुस्ट नाम से आता है। और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।